से तो दिल दुश्मन कहते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें ये गाना मेरे दिमाग में कभी नहीं बजता। मेरे दिमाग में हमेशा एक गाना बजता है, जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है, सामी 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 जिंदगी की जितनी भी कमी है वो कमी कमी नहीं रहेगी। कमी को इतना ही कहना, तेरी कमी तेरे पास रखना, मेरे पास सामी है। ये अगर मैं समी के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरी जिंदगी की कमी जब मेरे जिंदगी में थी, उम्र के 17 साल में मेरे पिताजी चले गए, मैं काफी बार इसके बारे में बात करता हूँ। एक क्लास वन ऑफिसर का लड़का एट द एज ऑफ 17 उसके पिताजी चले जाते हैं, तो जिंदगी धरे के धरे रह जाती है। कतरा कतरा जिंदगी जी रहा था, कुछ करना है मराठी मोड़ से। पता चला था अरे क्लास वन ऑफिसर के फैमिली का यहाँ शुरू हो सकता है तो नौकरी तो नहीं करूंगा, सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती है और खुद भी चली गई सब कुछ चला जाएगा। सोचा था समझा था धंधा करूंगा, वादा क्या था मराठी, सारे धंधे को आगे करने वाले, लेकिन जगह चपाटी सगे मराठी, बुरा लगेगा बिल्कुल लगेगा। कुछ भी करने के लिए कहते तो क्या कहेंगे, पुर्ची टांग मक्ची टांग टापू की नको, लेजे भी खेलते रहते, निर्णय अड़िग नहीं करते। लेकिन ऐसे खूब अंधेरे से निकली जिंदगी थी, मैं कोने में बैठा था और ऐसे बहुत बड़े जूम के सामने प्रोग्राम को सुन रहा था, षणमुखानंद हॉल सबसे बड़ा हॉल। जो बंदा था जो मुझे लेके आया था तो बोल रहा था यार लेट हो रहा है, सभी कुछ लोग जा रहे हैं, क्योंकि तब मैं मेरे गांव से आया था, तब ट्रेन की कन्वीन ज़्यादा नहीं थी, कुछ कम ट्रेन थी वहाँ पर जाने के लिए। मुझे पता था अगर मैंने 6 बजे का अगर वलसाड़ मिस किया, वलसाड़ एक्सप्रेस, मुझे रात को जो ट्रेन मिलने वाली है मुझे सुबह 2 बजे छोड़ेगी। मैं उसको बार बार गोली मारा था, रुक। फिर जब मैंने सुना तो कोने में कुछ हलचल होने लगी मुझे कि सच में ऐसे होता है क्या। फिर वो सेमिनार खत्म हुआ और बाद में जिस शख्स को मिला जिन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से वाकिफ कराया, मेरे स्पॉन्सर महेंद्र तांडे से जोरदार था, मैंने पूछा सच में ऐसे होता है क्या। मैंने बोला अगर नहीं होता है ऐसे सोचते रहेगा तू तो जिंदगी जहां वहीं पर धैर्य के धैर्य रह जाएगी, लेकिन ऐसे सोचेगा कैसे कैसे होगा तो यही यही एकमात्र मार्ग है जिससे तेरी जिंदगी के बारे में हो सकता है। अगर आप भी सोच रहे हो सच में ऐसे होता है क्या, तो बिल्कुल होता है या नहीं होता है सारे लोग कर रहे हैं, वही अगर हम करेंगे तो वही मिलने वाला है। मैं काफी बार देखता हूं Rather, अगर उस बड़े ब्रिज पे जाएंगे, बड़ा सा वहां पे टिकट काउंटर है, तकरीबन 11 से 13 वहां पे काउंटर, मैं हमेशा बाहर देखता हूँ कि उस काउंटर पे गर्दी रहता है, एट ए टाइम वहां पे 7 से 8 काउंटर चालू रहते हैं, जहां पे लाइन है वहीं पे लोग लाइन लगाते हैं, तो बाकी जगह टिकट नहीं मिलती क्या। लाइन है तो सारे लोग खड़े हैं तो सही चल रहा है, जहां पे लाइन नहीं लगी वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा लोगों का सोचना है, क्योंकि गर्दी के पीछे सारे दर्दी भागते हैं। तो बाहर की दुनिया में ऐसे होता है, ऐसे होता है। मेरी बेटी जो है 82% आया उसको मैथ्स में जो है 98 आया 100 out of 100। मैं ज्यादा खुश हुआ ऐसे नहीं, क्यों नहीं है, तो करियर करने के लिए ग्रेजुएट करने के बाद ही करना क्या है, गुलामी, गुलामी। आप लोग क्या बात कर रहे, क्या बात कर रहे, बिल्कुल अपने पूरे जहन को अपने पूरे इंटेलेक्चुअल को अगर हम लगा भी देते तो मिलने वाला कितना है पगार, उस पगार में सगड़े कार, पहले गरम बाद में गरम बाद में बाकी बेशरम, भाई इस महीने दे अगले महीने देता हूं,
मैंने रोकने नहीं की, मुझे मालूम है जैसे ही पास हो जाते हैं, ग्रेजुएशन हो जाते हैं, सबको क्या लगता है नौकरी करना चाहिए। मैंने नहीं की, मैंने नहीं की, तो आपको लगता होगा मेरी शादी भी ऐसी होगी? नहीं, एक मराठी आदमी हूँ, धंधा कर रहा हूँ, तो क्या बोल रहे सारे लोग घर में, ये क्या करते रहता है मालूम नहीं। छोकरी मिलना मुश्किल, छोकरी मिलना भी मुश्किल, वो लोग भी क्या चाहते हैं, बहुत बड़ी डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ एक गवर्नमेंट का जॉब होना चाहिए, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये सारी सोच उनकी सोच में से भी निकला। तो जब हम कहते हैं कि हमने इतने साल इसमें लगाए, काफी सारे लोग बोलते हैं ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलूंगा, ऐसा ही बोलूंगा, नए आए हैं, ये ट्रेन भी बोला जाता है, नया आया क्या, मैं नए के लिए बात नहीं करना चाहता। इस इंडस्ट्री में हमने विजन देखा था कि यही इंडस्ट्री है जो जिंदगी के वारे नारे कर सकती, ठीक के रहना जरूरी, फिर पैसा ही कमाना हमारा मकसद होता तो मेरे सर हमेशा कहते हैं रेड लाइट में भी तो कमाती है ना, हमें अपना जमीन बेच के पैसा नहीं कमाना था, हमें स्कीम करके उस टाइम पे हमारे जो प्रॉब्लम चल रहे थे उसको सॉल्व करना नहीं था, हमें मिसाल बनाना था हमारे फैमिली के अंदर, हमारे समाज के अंदर, इस देश के अंदर, कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाली सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। एक मराठी माणूस बोल होता दादा साहेब फाळके, जब फिल्म इंडस्ट्री लेके आया लंदन से यहाँ पे, तो हर घर घर में से, हर भी होटल में से किसी वेटर को बोलता था चल मेरे पिक्चर में काम कर, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, बोलता है तेरे को मैं बोल रहा हूँ देख, तू इधर जो भी कुछ करेगा उसे क्या मिलेगा, ये चाय देगा तेरे को कितना पगार मिलेगा, मैं तुझे इतना देता हूँ, कोई नहीं सुनता था उसका, कोई नहीं सुनता था दादा साहेब फाळके का, लेकिन तब भी उसने पिक्चर बनाया हरिश्चंद्र फैक्ट्री। उसके बाद क्या हुआ, फिर इंडस्ट्री दादा साहेब फाळके इन्होंने अगर मुहैया कराई, उसके बाद भी शांताराम जी आए, उसके बाद अभी सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो ब्रेक करा पूरी इंडस्ट्री का राजा मौली, क्या नहीं किया, बाहुबली पिक्चर पूरे हॉलीवुड को भी दिखा दिया कि हॉलीवुड में ये बॉलीवुड ये कोलीवुड भी सबसे बड़ा इंडस्ट्री में नाम कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। फिर सर लोग सत्य में आ गए होंगे, क्या बात कर रहा है बलवान, सच में कहना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में हम लोग टीके रहे, और टीके रहने के लिए जो करना है करते रहे, और आज अगर हम लोग फिर भी टीके हैं इसके लिए शर्त लगा रहे, अब ये नेटवर्क इंडस्ट्री एक बड़ा करवट लेने वाली है। जिस शिद्दत तक हमने इसको झेला, समझा, सब कुछ किया, और एक नागराजन सैरा करके मराठी पिक्चर बना के 100 करोड़ कमा के पूरी हॉलीवुड को बता सकता है, तो हमको मालूम है हम लोग भी क्या कर सकते हैं। बशर्ते की जरूरत क्या है, जरूरत ये है ये इंडस्ट्री 100% दुनिया में मुकम्मल हो चुकी है, सबको इसमें करियर मालूम है, हिंदुस्तान में नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोग बोलोगे फिर तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा। अरे स्ट्रगल हर जगह पे होता है मेरे यार, जब बैंक इंडस्ट्री में आई, बैंक इंडस्ट्री आई तो सारे गांव वाले लोग क्या बैंक में जाकर पैसा जमा करते थे? अरे हर घर में हिंदुस्तान में देखा जाए तो किसी घर में भी जाएंगे तो 5 किलो सोना मिलता था कि नहीं मिलता था, क्यों मिलता था, तो भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, पैसा कहाँ रखना है, तो पैसे था ही नहीं तो सोना लगाओ। उसके बाद जैसे बैंक इंडस्ट्री आई तो बैंक इंडस्ट्री में सारे लोग पैसा नहीं लगा रहे, फिर कुछ लोगों को सैलरी आने लगी बैंक में, इसलिए कुछ लोग बैंक में पैसे भरने लगे, धीरे धीरे नेशनल बैंक बने, कंपनी बैंक लोग संभाली, उसके बाद कॉरपोरेट बैंक भी आई, लेकिन वो भी अपनी तरह से चल रही थी, सारे लोग जॉब करने के लिए जा रहे थे, सारे लोग पैसा बैंक में नहीं भर रहे थे। जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां आई तो आने के बाद क्या हुआ, उनकी जो सर्विस थी वो सर्विस देख के सारे लोग वहां पे जाने लगे, तो क्या थी सर्विस, वहां पे हर बंदा पैर लगाकर खड़ा होता था। जैसे उन्होंने कहा हमारे मंत्री साहब ने कि मैं एक बैंक में था, तो वो सब सर्विस देख के सब लोग जाने लगे, SBI को पता चला बाप रे अपना बिजनेस कहीं तो भी जा रहा है, तो इन सबको अपडेट करा और ऐसे आउटडेटेड में से फिर से अपग्रेड करा, सबको कंप्यूटर सिखाया, और एक कोर बैंकिंग है SBI, आज हर गांव गांव में SBI का ATM है या नहीं है, या नहीं है, यस और नो? फिर सब नेशनल बैंक धीरे धीरे आने लगी, आज सारस्वत बैंक जैसी बैंक भी कॉर्पोरेट बैंक नहीं रही, आज वो मल्टी स्टेट बैंक हो गई। आपको क्या बैंक का बात करने को आए कि इधर नेटवर्क का बात करने आए, वो स्ट्रगल पीरियड अगर बैंक का चल रहा था, आज अगर कॉम्पिटिशन में आके वो लोग जबरदस्त एक बिजनेस पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, बैंकिंग सबसे बड़ा बिजनेस होता है, करियर होता है, वही नेटवर्किंग में भी हम जब कर रहे थे तब स्ट्रगल था, अब आने वाला जो है वो सबसे बड़ा
कंपटीशन पीरियड आने वाला है। उस कंपटीशन के लिए हम तैयार हैं, हम तैयार हैं और हमने जितने पापड़ बेले हैं इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए, भाई जहां पे खड़े हो वहां खड़े रहने के लिए, कोई बवंडर भी आ जाए, कोई रेल भी आ जाए, कोई बड़ा से बड़ा फ्लड भी आ जाए, बड़े बड़े वृक्ष भी जो है ना चले जाते हैं, लेकिन एक घास का तना होता है, तना होता है कितने भाव के साथ वो हमेशा बहके नहीं जाता, अपनी जगह को पकड़ के रखता है। बढ़ता कि नहीं बढ़ता। पार्लियामेंट में जब बातें चल रही थी उसकी बात नहीं करना चाहूंगा, उन्होंने कहा था आज हम लोग संख्या में कम है, उन्होंने तब भी कहा था आज हम संख्या में कम है, लेकिन एक दिन इस भारतवर्ष को पता चलेगा कि इस भारतवर्ष में एक ही पक्ष रहेगा और हम ही हम रहेंगे। और उन्होंने कहा था, मैं भी कहना चाहता हूं मेरे सर के साथ कि जिन्होंने जिसमें लाया है, डॉक्टर पटेल सर मेरे गुरु, मेरे डीवी पटेल डीवी सोले सर मेरे गुरु, और यहाँ पे आनंद सर है, हम आज संख्या में कम है। लेकिन याद रखना, सभी अगर इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है तो वो जाएगी हमारे जैसे बाशिंदों के साथ। हम पैसे के लिए नहीं आए, हम मिशन और पैशन के लिए आए। We are passionate and we are missionary. हम मिशन पे चलते हैं, हम कभी हिलते नहीं है, और हिलते नहीं है हम हिलाते जरूर है, हम हिलाते जरूर है। और जिस दिन हमने हिलना शुरू किया, देख लोगे हमारे बाजुओं में हमारे उम्र पूछने वाला कोई नहीं होगा, बोलेगा तेरे लोहे में दौड़ता खैर, सामी 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 हुसैन सामी। क्या तैयार है? क्या तैयार है? मैं सभी के साथ हूँ, मेरा सभी सभी के साथ हैं। और मोहम्मद माजिद का ये एक सोल्जर जब तक अपने लोहे में कतरा कतरा बाकी रहेगा तब तक पूरी दुनिया में एक ही बात करेगा, सामी 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 सामी। थैंक यू सर।